तो हमारे पास ईद का प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो अम्मी यहाँ पे ड्राई फ्रूट को साफ कर रहे और मेरे को कट करके भी दे रहे। उसके बाद अम्मी के हाथों को मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा 2:20। तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट तो थोड़ा सा मैं कर ली हूँ। मैं अब तो मेहंदी भी मैं लगा ली थी, मगर रंग नहीं है यहाँ, अभी कलर नहीं है यहाँ, अभी आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं हूँ किचन में। अब यहाँ पे किचन में आप लोग देख सकते हैं दूध मैंने बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिश्ता भी मैं बना ली भाई, सब कुछ हो गया है। आधा से काम, आधा काम तो मेरा कंप्लीट है भाई, आधा काम है। नल भी खुलने वाला है, तो मैं आज घर भी धोऊंगी, फिर कपड़े भी वॉश करना है मेरे को, फिर एक तो ईद का जो ना पकवान भी करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना आप सब लोगों को। बहुत 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 मेरे तरफ से ईद मुबारक। मलिक को पानी भी पिला दिए हमने, मलिक पानी पिला लिए, फ्रेश हो गए एकदम, एकदम फ्रेश हो गए। क्योंकि तो टाइम था, मलिक होशारी थी, हम पानी भी पिला दिए इनको। देखिए सबसे पहले मलिक फ्रेश हो गए एकदम, फिर मिलेंगे। यहाँ पे सेवियाँ भी मैंने निकाल के रख लिया, मैंने चावल भी, मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चावल है ये बासमती राइस से, ये भी मैंने निकाल के रख लिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कपड़े पे वॉश हो रहे मेरे, साथ ही यहाँ पे नल भी हमारा खुल गया है, पानी ऊपर चढ़ा रही मैं। उसके बाद राजीव भी हमारे पानी नहा लिए, फ्रेश हो गए, राजीव भी हमारे फ्रेश हो गए एकदम। उसके बाद यहाँ पे मैं घर भी धो रही हूँ, साथ ही उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं सेवियाँ को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से इसको रोस्ट कर लूँगी गोल्डन कलर में। तो आप लोग देख सकते हैं गोल्डन कलर में अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मैं अब फ्राई कर लूँगी, गोल्डन नहीं, लाइट गोल्डन कलर करना है इसको, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है ड्राई फ्रूट को। तो अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेते हैं पहले ड्राई फ्रूट को। पिस्ता है, बादाम है, खजूर है इसमें, बादाम है। हमारा शीर खुरमा भी एकदम रेडी है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसका अमेजिंग लुक है ना, माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे मैंने बिरयानी बना रही थी, अखनी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल दिया था, ऊपर से थोड़े से चावल भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा। उसके बाद ये अच्छे से पकने देंगे चावल, थोड़े से मैं थोड़े से पकते ही चावल को ऐड कर दिया था 50%। उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पे बिरयानी को दम पे दे दिया मैंने, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको 50 मिनट दम पे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ईद का ड्रेस, तो वाइट लिया था मैंने। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ड्रेस तो कमेंट में ज़रूर बताना, ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, बीच का जो भी पार्ट था ना वो मिस हो गया है, क्योंकि मैं शूट नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब टाइम हो रहा है 7:00। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे छोटे बेटे के फ्रेंड्स आ गए थे ईद मिलने के लिए। यहाँ पे बच्चा पार्टी को आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ईद मिलते ना छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और कैसे लग रहे आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना माशाल्लाह से। तो दोनों से भी मिल रहे थे, मेरे दो बेटों से भी ईद मिलने के लिए आ गए थे, मलिक से भी और राजिक से भी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा, छोटे छोटे बच्चे जब ईद मिलते ना बहुत अच्छा लगता है।
उसके बाद हम जा रहे थे टोली चौकी घूमने के लिए, थोड़ा चाट वगैरह खाएंगे बल्कि निकले बाहर। फ्रेंड्स कितना सुनसान हो गया, देख सकते आप लोग रमजान में जैसी रौनक रहेगी ना हमारी टोली चौकी में, वैसी रौनक नहीं रही थी, सुनसान हो गया था एकदम। तो हम थोड़ा सा बाहर घूमने के वास्ते निकल गए थे, तो चाट नहीं मिला, यहाँ पे खा रहे बच्चे कुल्फी। तो बच्चे तो कुल्फी खा लिए, हमारा को चाट नहीं मिला, तो घर को चले जा रहे अब हम। तो हम जा रहे ईद मिलने के लिए मेरे बहन के पास। तो हम ये है हैदराबाद का लंगर हाउस। तो ईद मिली है बहन से, अब हम जा रहे घर को। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में हैं, चलिए अब हम बाहर निकल जाएंगे लिफ्ट से। उसके बाद बाइक यहाँ पे पार्किंग में हमने पार्क कर दिया था, तो चलिए अब हम घर को जाते हैं। अब टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था रात के, तो चलिए अब हम घर को जाते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे इंशाल्लाह, ईद के दूसरे दिन मिलेंगे आप लोगों के साथ। ओके चलिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम दो हमारे तीन। चलिए इवनिंग हो गई है, ईद का सेकंड डे है आज, तो आप सब लोगों को ईद का सेकंड और दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब हम व्लॉगिंग अब कर रहे, 5:20 हो रहे। आज है मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है, 12 अप्रैल है ना आज, तो आज बेटे का बर्थडे है, तो 12 इयर्स आज को कंप्लीट हो गए हैं मेरे बच्चे को। ढेर सारा प्यार और ढेर सारे दुआएं दीजिए। ओके तो आज तो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा कर रही हूँ मैं, सिंपल सा है। ओके चलिए देख, तो यहाँ पे मैं रिश्ता फ्राई कर रही हूँ, ऑनियन को अच्छे से, ऑनियन फ्राई हो गए है। तो आज मैं बनाऊंगी खोरमा, मुगलाई खोरमा बनाऊंगी। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से वाश कर ली हूँ मैं, वाश करके मैं 1.5 किलो चिकन है ये। तो अब ये अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छे से ऑनियन हमारे फ्राई हो गए हैं, ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं अब हम इसको फैन के नीचे रखेंगे, घड़ों पे रख दी थी मैं, यहाँ पे रंजन है ये, तो फैन की हवा यहाँ तक आती है, तो ये हवा में रखते ना अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। रिश्ता हमारा गरम है बहुत। चलिए मलिक भी हमारे रेडी हो गए हैं, राजिक भी हमारे रेडी हो गए हैं, इधर देखो अस्सलाम वालेकुम बोलो, दोनों भी अच्छे से अब्दुल खालिक के बराबर इनो इन दोनों भी रेडी हो गए हैं। चलो दोनों भी अच्छे से रेडी हो गए, चलिए फिर मिलेंगे। दोच दोच हो गए, इन्हों भी दोच हो गए मेरे, जाओ खेलो ठीक है, अभी मम्मा आते चुंगे, अब जाओ। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हीट हो गया है, तो अब हम चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को यहाँ पे परिस्ता फ्राई करे बाहर, ऑयल भी है यही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मैं। चलिए चिकन को अच्छे से मैं हल्दी नमक और लेमन जूस लगा लिया मैंने इसको। चलिए पहले हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, चिकन को फ्राई करने के बाद कोरमा बनेंगे तो बहुत टेस्टी होता है। तो चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, और पीसेस बहुत छोटे हैं चिकन के,
इसलिए तो इसको हल्का सा फ्राई करके मैं साइड में कर लूँगी, इसको निकाल के साइड में कर दूँगी। उसके बाद मसाला ऐड करके, मसाले को अच्छे से फ्राई करके ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चिकन फ्राई के वास्ते, छोटे छोटे चिकन बना सिक्सटी फ्राई के वास्ते लाए थे, तो वैसा कौरमा ही बना दे रही मैं। चलो भाई इसका कौरमा बना देती बोल के, तो बहुत छोटे हो गए पीसेस आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको अच्छे से ड्राई करूँगा, पानी भी छूट गया है इसमें इसका साइडों से, तो ये पानी भी मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी, चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद मालूम मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद ऊपर से मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। तो इसके मुगलाई चिकन बना रही हूँ मैं मेरे स्टाइल में। ये मसाला भी रेडी है हमारा, मसाले को भी अच्छे से मैं एकदम बारीक एकदम मैंने फाइन सा पेस्ट बना लिया मसाले का, देख सकते आप लोग। तो मसाला यहाँ पे रख देंगे, पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, निकालने के बाद कर लेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाजार खाना बन रहा है, यहाँ का कौरमा हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो ये दम पे हो रहा, ये दम पे रख दूँगी, ये कौरमा बनाऊँगी, ये सारी भी बाजार खाना बना रही। हमारा पकाना कंप्लीट हो गया है, इसके बाद यहाँ पे दस्तरखान बिछा दिए हम डिनर के लिए, तो हम पहले डिनर कर लेंगे। चलिए बच्चे भी यहाँ पे कैसे सता रहे थे, राजिक भी मलिक भी, तो चलिए हम पहले खाना निकाल लेंगे। पहले फ्रिज में से बॉटल्स निकाल लेंगे पानी की, ये मरे ना लगे इतना है ये इतनी है अरे नहीं देखिए अम्मी आओ परिया Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दादी माँ को पहले खिलाओ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा, तो सब एक दूसरे को खिला रहे थे, केक कटिंग भी हो गई थी हमारी, तो बहन भी आए हुए थे, फिर बहन की लड़की भी थी, फिर मेरे सासू माँ भी हैं, फिर मेरे तीन बेटे मैं। यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा फंक्शन था, बड़ा नहीं था। ऐसे तो इस्लाम में हमारे पास बर्थडे फंक्शन वगैरह पार्टी वगैरह करना तो नहीं है, बस बच्चों के खुशियों को ख्याल करके हम करते हैं, बच्चे बस इसमें खुश हो जाते हैं, थोड़े से उन लोगों को खुशी मिल जाती है। चलिए हमारा बर्थडे है आज, हमारे आज हम पैदा हुए थे 12 अप्रैल, ऐसा बोल लेते ना भाई 12 अप्रैल को मैं पैदा हुआ था, थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिए ऐसा रहता बोल के, ऐसा इतना ही बस, कुछ नहीं है इसमें, बस बच्चों की खुशियों के लिए ही करते हैं। बस पेरेंट्स ना बच्चों के खुशियों में ही खुशी ढूंढते हैं, बच्चे जब खुश हो जाते हैं तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, किसी की भी हों तो। हम भी बच्चों के खुशी के लिए ही करें, बस उन लोग थोड़े से एंजॉय करे, थोड़ा सा खुश हो जाए, बस सेलिब्रेशन इसलिए सिंपल सा ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं दीजिए तीनों बच्चों को भी, ओके। तो ये 2 डेज़ का व्लॉग है ये, तो मेरा छोटा बेटा यहाँ पे मेरे से नाराज़ हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा सता रही थी, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है। और मेरा छोटा सा बबलू सा क्यूट सा छोटा बेटा है ये, तो चलिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।